alaikum everyone welcome back to another video welcome back to my youtube channel welcome back to another topic and welcome back to another Vlog Nahi. welcome back to another poem okay uh, so the poem which we are going to discuss now is the of summer. रिटन बाई मके कुरेशी तो इस फॉम को आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और उन बहुत सारे टॉपिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं पर्स इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड ऑफ द फॉर्म लाइन बेल एंड एक्सप्लेन ऑफ द टेक्सट क्रिटिकलरी फिगर्स ऑफ स्पीच एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पर साइड पर जो तस्वीर लगी है वो है हमारी मके कुरेशी शेज अ पाकिस्तानी पोइटिस या फिर पोइट आप फेमिनिस्ट हैं या नहीं है आप पोइट कहें या पोइटिस कहें आपकी पुरजिया के मकी कुरेशी इनकी पोम है कर्फ ओके मकीी कुरेशी वॉज बॉर्नटीन टीवन एंड शी डायन नाइनटी फाइव शी वॉज बोर्न इन कैलकता इंडिया में पैदा हुई थी बट आफ्टर पार्टीशन शी टू कराची क्योंकि ये जो है ना पार्टीशन से पहले पैदा हुई थी तो ये इंडिया में कलकत्ता में पैदावी थी लेकिन जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान की 1947 में इंडिया पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई तो शीमा कराची एंड यहाँ पे ये कराची यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाती भी थी ये जो ना पाकिस्तान तब शिफ्ट हुई थी जब पार्टीशन हुई थी तो ये तब ये जो है ना टीन में थी राइट ट्वेंटी में ये पैदा हुई थी फोर्टी में जो है ना ये पाकिस्तान इन लोगों ने मूव किया राइट पार्टीशन फोटी में भी थी तो अराउंड ट्वेंटी ईयर्स इनकी एज थी तो बीस साल की उम्र में यह पाकिस्तान आ गई शी वॉज वेरी शी वॉज इन यंग एज और उस एज में जो है ना जब वो पाकिस्तान आ गई तो शुरू शुरू में पार्टीशन की वजह से ना पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे रिफ्यूजीज का रिफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम्स थे पॉलिटिकल सेटिंग इतनी अच्छी नहीं थी तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि मकीी कुरैशी ने अपनी आंखों से देखे उसी सोसाइटी में रहते हुए तो वो क्या करती हैं ज़्यादातर पाकिस्तान के शुरू शुरू में जो प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में लिखती हैं जब भी हम इनके पोम्स को देखते हैं तो हमें इनके पोम्स के अंदर जो थीम्स नजर आते हैं वो पाकिस्तान के थीम्स नज़र आते हैं राइट आफ्टर पार्टीशन के वहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे और जो है ना लोगों का एटीट्यूड क्या था उन प्रॉब्लम्स को लेके क्या लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते थे या नहीं करते थे तो इनके पोम्स में जो है ना पाकिस्तान की सेटिंग का थीम हमें नॉर्मली और जनरली मिलता है ओके कर्फ्यू समर पोम का नाम है राइट अब पोम के जब हम टाइटल को देखते हैं तो कर्फ्यू प्लस समर दो वर्ड्स का कलेक्शन है दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है कर्फ्यू से तो मुराद आप सब लोगों को पता ही होगा ठीक है कि कर्फ्यू जब होती है तो क्या करते हैं कि लोग बाहर नहीं जा सकते हैं उन पे सेंक्शन उन पे पाबंदियाँ लगी हुई होती है वो फ्रीली मूव नहीं कर पा नहीं कर सकते फ्रीली वांडर नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से उधर इधर नहीं जा सकते हैं उनके ऊपर कंटिन्यूसली एक फ़ोर्स होता है कि जो क्या करते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने घरों में रहने पर मजबूर करते हैं अपने ही जगह अपने ठिकाने रहने पर मजबूर करता है और फिर जब हम समर की बात करते हैं तो गर्मियों में मतलब समर इतना हार्श होता है इतना डेट्रीमेंटल होता है कि लोग क्या करते हैं बाहर जाने से गुरेज करते हैं क्यों क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो अपने घरों पे ही ख़ुद को क्या करते हैं ख़ुद को अपने घरों तक ही जो है ना लिमिट करते हैं तो जब कर्फ्यू और समर की हम बात करते हैं तो समर में भी जो है ना काइंड ऑफ़ कर्फ्यू ही लगा हुआ होता है समर की वजह से क्योंकि वहाँ पे लोग जो है ना बाहर इतना ज़्यादा घूमते वगैरह नहीं है क्योंकि वहाँ पे समर इतनी ज़्यादा हार्श होती है जैसे कि मैंने बताया कि मखी कुलेशी की पॉम्स के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल या फिर पावर की जो सेटिंग है उसका थीम हमें मिलता है तो अब यहाँ पर कर्फ्यू समर ये जो टाइटल है ये ख़ुद एक मेटफ़र है राइट कर्फ्यू समर से मुराद पाकिस्तान के अंदर का वो जो वो फोर्स था या वो पावर्स थी चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो या कोई सी भी पावर हो वो सारे पावर जो कि पाकिस्तानियों को फ्रीली अपनी लाइफ गुजारने नहीं देते थे तो ये टाइटल के अंदर ही एक मेटाफर है कर्फ्यू समर मेटाफर किस चीज़ के लिए है पावर एंड पॉलिटिक्स के लिए जो कि लोगों को ईजिली प्रॉस्पर करना डेवलप करना या फिर अपनी मर्जी से जीने नहीं देते थे शुरू शुरू में जब इस तरह की प्रॉब्लम्स थी हो सकता है कि अभी भी हो या फिर हैं भी लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट माई की कुरेशी उन्होंने अपनी आंखों से जो हाल देखा था उस टाइम का सो विल बी टॉकिंग अबाउट देट टाइम तो वहाँ पर जो है ना इस तरह के प्रॉब्लम्स थे कि पावर की वजह से लोग अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते थे फिर जब हम पोएम की लाइन बाई लाइन लाइन बाई लाइन एक्सप्लेशन करेंगे तो तब आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाएगा कि वट एज शी वॉन्ट टू टेल अस बाई राइटिंग दिस पोम अब यहाँ पे ना पोएम के अंदर प्लांट्स का जिक्र आ रहा है जिनसे मुराद पीपल हैं यानी कि पाकिस्तान के वो लोग हैं अब देखें समर और प्लांट्स का क्या रियलेशन है समर में गर्मी इतनी हार्श होती है कि प्लांट्स जल जाते हैं इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी वो फोर्स जो था वो इतना रिस्ट्रिक्टिंग था कि लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे सो तो ये जो है ना कनेक्शन हमें इन दो मेटाफर्स के अंदर मिलता है अब हम करते हैं पॉइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अब देखिए जब हम पॉइम को देखते हैं तो देयर आर फाइव स्टैंड लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनके अंदर थोड़ी सी राइमिंग है लेकिन प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है जो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिस पॉइम इज अ फ्री वर्स पॉइम एंड देयर आर थ्री लाइन इन ईच स्टेंजा विच मेक दिस अ पॉइम लाइन्स पॉइम ओके पहला स्टैंडा है Summer cloaks in at eight. By now, most plants have dried to a rasping brown, and the grass burns into to its roots. Only the bogan flakes, its violent colours dissident in a brutal summer. No one may walk next door, yet from house to house the grapevine rains arrested, bombed. Two hundred short, long years to a seasonal withering each summer, we die nearer the root. And with the sparrows, the foliage, without a pass, श्रीकिंग ऑल ओवर द सिटी रैकलैस अनसेंसर्ड ओपिनियंस ये है पॉइंट अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते फर्स्ट इस हेन्जर को जब हम देखें तो ये है कि यू नो फर्स्ट सेंजर में एट ओ क्लॉक की बात की है समर क्लॉक एट सीजन समर का है और समर में आठ बज रहे हैं लेकिन वी आर नाट श्योर वेदर इट्स एट एम और एट पी एम सो दिस एट कैन भी इंटरप्रेटेड इन टू वेज एट एम एज वेल एज एट पी एम इन समर वेदर इट्स एट एम और एट पी एम इट्स वेरी हार्श एंड नो लाइफ टेकिंग समर इट्स वेरी हार्श इन लाइफ टेकिंग समर विच रिजल्ट इन द डे ऑफ प्लांट्स दर्न टू ब्राउन फ्राम ग्रीन दर्न टू दे रूट्स ठीक है यानी कि मेरे मेरा मतलब ये है कि गर्मियों में चाहे वो सुबह के आठ बजे रहे हों या रात के शाम के आठ बजे रहे हों होता यह है कि दोनों टाइप में ही गर्मी ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या हो जाते हैं सूख जाते हैं ड्राई हो जाते हैं और वो रेस्पिंग ब्राउन जब पत्ते सूखते हैं तो जिस तरह से ब्राउन हो जाते हैं ना उसको कहते हैं रेस्पिंग ब्राउन पत्ते मतलब प्लांट्स जो है उनका कलर तो ग्रीन होना चाहिए लेकिन गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वो रेस्पिंग ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते तब्दील हो जाते हैं और जो ग्रास होता है वो अपनी रूट्स तक जल जल क्या होता है झुलस क्या होता है अपनी रूट्स तक जो है ना वो जल गया होता है बिकॉज ऑफ द सामर तो ये जो है ना इसकी लिटरल मीनिंग हो गई राइट यानी कि इन वर्ड्स के अंदर की जो मीनिंग है लेकिन इसकी एक अंडरलाइन मीनिंग भी है इसके अंदर एक मेटाफॉरिकल मीनिंग भी है वो मीनिंग कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान के अंदर कंडीशन कुछ ऐसा है कि जो पावर है वो इतना लोगों के ऊपर प्रेशरइज़्ड है ठीक है लोगों को इतना पावर ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं दे हैव स्टार्टिड टू लॉस देर कलेज उनकी कलेज लॉस हो गई है लोगों की इंथ्यूजियाजम खत्म होने लगी है द इंथ्यूजियाजम ऑफ पीपल इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग यह जो है इसकी अंडरलाइन मीनिंग है दिस इज द फर्स्ट स्टेंजर अब हम 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 सेकेंड स्टेंजर की तरफ जब पढ़ते हैं तो ओनली द बॉगन विलिया फ्लैक्स बॉगन विलिया ए नेम ऑफ अ प्लान और अब यहाँ पे मैंने साइड पे जो तस्वीर लगाई है इफ़ यू यू लुक एट द पिक्चर यहाँ पे जो पिंक कलर का बुश है या फिर प्लांट जो है दैट्स द बॉगन विलिया राइट ओनली द बॉगन विलिया फ्लेक्स इन दैट हार्श इन डिसडेंट समर द ओनली प्लांट दैट इज नॉट ड्राइड इज द प्लान्टगन विलिया इट्स वायलेंट कलर्स इसके जो कलर्स हैं वॉलेंट हैं डिसडेंट हैं और इन अ समर इतनी सख्त गर्मी में भी बॉगन विलिया के विलिया के जो फूल हैं उसका उसका कलर क्या है वॉयलेंट है डिसिडेंट है वैन वी टॉक अबाउट वॉयलेंट एंड डिसिडेंट इट मीन्स रिबेलियस राइट जो कि रिबेल करते हों जो कि पावर को फोर्स को या दूसरों के रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानते हों इन अ पॉजिटिव वे जो कि लोगों की पाबंदियों को जो है ना ख़त्म करके जो उनकी जंजीरें होती हैं चाहे वो सोच की जंजीरें हों या फिर चाहे वो रूल्स एंड रेगोलेशन की जंजीरें हों वो जंजीरों को तोड़ के जो है ना अपनी डेवलपमेंट और अपनी प्रॉस्पेरिटी को कंटिन्यू करते हैं सो बोगन विलिया इज़ प्लांट जो कि इतनी गर्मी में भी हार नहीं मान रहे वो जो है ना ख़ुद को लिमिट नहीं कर रहे बल्कि इन सब डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करते हुए इन सब डिफिकल डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस को फ़ेस करते हुए क्या करता है अपने कलर को बरकरार रखता है मूव ऑन करता है और वो बॉगन विलिया जो है वो फैलता चला जा रहा है राइट अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलती है ना कि अब पॉइंट ने बॉगन विलिया का लफ्स ही के इस्तेमाल किया है हालांकि हैं तो बहुत सारे प्लांट्स क्योंकि <coughs> सॉरी <coughs> बॉगन विलिया का जो प्लांट है वो एक तो ये कि फैलता ज़्यादा है ठीक है बाकी प्लांट्स की तरह मतलब लिमिटेड काइंड ऑफ नहीं होता बल्कि फैलता ज़्यादा है आप पिक्चर में भी देख लें एक ही प्लांट है उसके मतलब उसी प्लांट से ही कितना फैला हुआ है और कितने ज़्यादा फूल हैं तो बुगन वली का लफ यूज़ करके पॉइंट हमें ये बताना चाह रही हैं कि जब हम डिफ़िकल्टीज़ को और सेंकशंस को जो कि हमारे ऊपर नेगेटिवली मुसलत किए गए हैं उनको जब हम तोड़ते हैं जंजीरों को मजबर की जंजीरों को तोड़ते हैं तो फिर हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं हमारी जो डेवलपमेंट है वो बाकी प्लांट्स की नस्बत ज़्यादा होती है राइट ओके ओके थर्ड स्टैंड पे आ जाए नो वन में वॉक नेक्स्ट डोर गेट फ्रॉम हाउस टू हाउस द ग्रेप वाइन वंस रेस्टेड बॉम्ब्ड अब मतलब कर्फ्यू भी इतना लगा हुआ है अगर हम गर्मी की बात करें यानी कि इसकी लिटरल मीनिंग की बात करें तो गर्मियों में जो है ना इतना कर्फ्यू लगा हुआ होता है गर्मी का इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इतनी हार्श गर्मी होती है कि कोई भी जो है ना साथ वाले दरवाजे तक नहीं जाता है तो कोई घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलता है लेकिन ग्रेप वाइन जो है अंगूर का जो बेल होता है वो तो चल रहा है एक घर से दूसरे घर दूसरे तीसरे घर वो अपनी डेवलपमेंट को रोक नहीं रहा है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है अरेस्टेड बॉम्बड वो जो ग्रे um, पॉइंट है वो अरेस्टेड और बॉम्बड है क्यों क्योंकि वो फैलता ही कुछ इस तरह से है ना अरेस्टेड और बॉम्बड हमें लगता है कि जिस चीज़ के ऊपर वो फैल रहा है ना उसके साथ वो चिपक चिपका हुआ काइंड kind ऑफ of होता है अगर आप लोगों ने देख लिया है तो तो अब ये तो हो गई इसकी लिटरल मीनिंग लेकिन जब हम इसकी डीप या फिर अंडर मीनिंग को डिस्कस करें तो ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर उस टाइम के ल्म और जबर के मुकाबले में जुल्म और जबर की वजह से होता यह था कि जो नॉर्मल लोग थे वो क्या करते थे उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने लिए आवाज़ उठाएं, राइट जो कि जुल्म और जबर से की जंजीरों को तोड़ सके अपने लिए आवाज़ उठाएं सब में इतनी कलश नहीं होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि ग्रेपॉइंट्स की तरह थे जो कि अंगूर के बेल की तरह थे कि वो क्या करते थे हार्डल्स को डिफ़िकल्टीज को फेस करते हुए भी वो हाउस से हाउस तक ऐसा नहीं है कि लोग जो है ना घर से दूसरे घर तक चले जा रहे हैं ऐसा नहीं है यहाँ पर मेटाफॉरिक है दाइट अंडरलाइन मीनिंग के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि कुछ लोग जो है ना वो पुलिस से बगैर डरे एक घर से दूसरे घर जाते थे दूसरे घर से तीसरे घर जाते थे ऐसा नहीं है लेकिन जो बात यहाँ पे बताना चाह रही हैं पॉइंट वो ये है कि जो पावर का जो डर है पॉलिटिक्स का जो डर है आप पर जो और जबर किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएँ तो आपकी डेवलपमेंट होती चली जाती है आप एक घर तक या एक जगह तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होते बल्कि आपकी डेवलपमेंट होती है और ऐसे होती है कि होती ही चली जाती है राइट right? अब देखिए यहाँ पर हमने एक और बात नोटिस करी वो ये है कि पॉइंट जो है वो नॉर्मल लोगों की बात कर रहा है अब जो लोग पावर में हैं जो एलीट क्लास है वो तो जाहिर सी बात है वो रिबेल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर है लेकिन यहाँ पे ग्रेप वाहन और बॉगन वलिया की बात की ना ये नॉर्मल प्लांट्स हैं इनमें कोई ख़ास प्लांट्स नहीं है अगर यहाँ पर रोज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता तो हम कह सकते कि अच्छा यहाँ पर ख़ास खास जो लोग होते हैं ना अपर क्लास एलिट क्लास उनकी बात हो रही है लेकिन नहीं नॉर्मल प्लांट्स की बात हुई तो मतलब ये है कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी रस्तिक लाइफ होती है जो ज़्यादा अपर क्लास एलीड क्लास से नहीं है वो भी क्या कर सकते हैं कि इन डिफ़िकल्टीज़ को चैलेंज करते हुए अपने जंजीरों से बाहर निकल सकते हैं यहाँ पे ना हमें लोगों के दो एटीट्यूड्स का पता लगता है और पॉइंट भी हमें उन्हीं एटीट्यूड्स का बताना चाह रही है कि कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं कि अगर तुम पे म हो रहा है तो चल कोई बात नहीं है बर्दाश्त कर लो म अब हम म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी तो नहीं उठा सकते इस तरह की थिंकिंग होती है पहले ग्रुप ऑफ़ पीपल की और दूसरा ग्रुप ऑफ़ पीपल वो होता है जिनके अंदर रिबेलियस नेचर होता है रिबेल से मुराद है बगावत और बगावत यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं हुआ है बल्कि इट इज़ यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस कि आप क्या करें आप पे जो जुलम हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकें आप बगावत कर सकें आप अपनी पॉजिटिविटी के लिए कदम बढ़ा सकें आप अपनी डेवलपमेंट अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है ना आप कदम बढ़ा सकें आप, आप आवाज़ उठा सकें और आप बढ़े बढ़ सकें सही है यहाँ पे दो लोगों की बात आई एक ट्रेडिशनल और एक रिबेलियस तो यहाँ पे ग्रेप वाइन और बोगन मिलिया जो है वो क्या करते हैं रिबेलियस लोगों को रेफर कर रहे हैं ऐसे लोग जो रिबेल कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे ओके फोर्थ स्टैंड टू हंड्रेड शॉट लॉन्ग यूज टू अजनल वर्द अब यहाँ पर टू हंड्रेड शॉर्ट जिस तरह आप गर्मियों में अगर ज़्यादा गर्मी हो गई सपोज़ तो वहाँ पर पॉइंट कहने के ज़्यादा गर्मी की वजह से ना टू हंड्रेड शॉट अब शॉट जो है वो गोली चलने को नॉर्मली हम कहते हैं ना तो जब हम इसकी अंडर मीनिंग को देखते हैं तो वो जो पावर था वो जो उन पर फोर्स था वो जो पॉलिटिकल फोर्स हो या किसी भी तरह का फोर्स हो जो लोगों पे फोर्स था उसकी वजह से 200 हंड्रेड शॉट दो सौ गोलियाँ चल गईं या लोगों पे चली लॉन्ग यूज अ सीजनल वदरिंग इसकी वजह से लोग क्या होते हैं वेदरिंग का शिकार होते हैं लोग कमज़ोर होते चले जाते हैं जब हम सुने ना कि अच्छा रिबेल करने की वजह से ना दो सौ चली या फिर इतने लोग मारे गए तो हमारे अंदर क्या होती है कि वदरिंग होती है हम वीक होते चले जाते हैं हम लोग कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ईच समर वी डाइनियर अर द रूट जब भी ईच समर यानी कि जब भी गर्मी होती है जब भी आप पे फोर्स लगता है जब भी आप पे होती है जुलम होता है तो क्या होता है वी डाइनियर आर द रूट हमारी करियज जो है वो कम होती चली जाती है हमारे अंदर अपने लिए आवाज़ उठाने की जो सलाहियत है वो कम होती चली जाती है हमारी कॉन्फिडेंस में कमी आती चली जाती है ईट समर जब भी हम पे जुलम होता है जब भी लोगों पे फोर्स को री किया जाता है लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए राइट right? क्योंकि इस पॉम का थीम ही ये है कि वो हमें रिबेलियस नेचर के बारे में बताएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ओके द लास्ट इज सेंसर एन वी द स्पेरोस दे फॉरैज विदाउट अ पास श्रींग ऑल ओवर दिटी रेकलेस अनसर्ड ओपीनियज एन वी द स्पेरो रीडर्स से कह रहा है कि स्पेरोस पे रश् करो एन वी यानी कि रश की ये भी पॉजिटिव वर्ड है राइट हसद या जेलस जो होता है वो नेगेटिव कॉनिटेशन में है लेकिन एन वी यहाँ पर पॉजिटिव में यूज़ किया गया है क्या स्पैरोज़ जो हैं उनसे कुछ सीख लो स्पैरोज़ भी क्या करते हैं जितनी भी गर्मी हो वो रुकते नहीं है वो वॉन्डर करते चले जाते हैं फोरेज करते हैं यानी कि वॉन्डर करते हैं वो इधर उधर फिरते हैं ईजिली विदाउट अपास बग़ैर किसी की मतलब डर के बगैर किसी डर के बगैर किसी की परमिशन के वो अपने लिए ईजिली इधर उधर जा सकते हैं अपने फूड को अपनी अपनी मर्जी से अपने फूड को तलाश करने के लिए वो जा सकते हैं वो इन इस समर की जो गर्मी है या रिस्ट्रिक्शन है उनसे नहीं डरते डरे बगैर पैरोस क्या करते हैं वांडर कर सकते हैं श्रीकिंग ऑल ओवर द सिटी पूरे सिटी पे वो जो है ना वांडर करते हैं श्रीकिंग करते हैं यानी कि उनकी चिरपिंग होती है उनकी आवाज़ें आती हैं आवाज निकालते हुए जो है ना वो वॉन्डर करते हैं उठते चले जाते हैं रेकलेस मतलब उनको केयर ही नहीं होता है कि उन पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है उनको डर नहीं होता है अनसेंसर्ड ओपिनियंस और उनका ओपिनियन भी अनसेंसर्ड अनसेंसर्ड यानी कि ओपन जो सेंसर नहीं किया गया हो ओपनली जो है ना वो इधर उधर चलते फिरते हैं हालांकि कर्फ्यू का समर का कर्फ्यू है ये तो हो गई इसकी लिटरल मीनिंग स्पेरों वाली ना लेकिन यहाँ पे स्पेरों से मुराद भी वो लोग हैं जो कि रिबेलियस हैं जो कि अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो कहते हैं कि पोइट कहती हैं कि जो लोग रिबेलियस हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि जो रिबेल कर सकते हैं जो बगावत कर सकते हैं जो म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं वो क्या करते हैं वो अपने लिए अपनी आज़ादी खुद बनाते हैं वो उन्हीं जंजीरों में जकड़े नहीं रहते हैं जिन 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 जंजीरों में सब लोग हैं बल्कि वो क्या करते हैं एक नया पाथ बनाते हैं एक नया वे बनाते हैं बगावत करते हैं और अपने लिए ख़ुद के लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं तो इनसे हमें सीखना चाहिए इन पे हमें रश करना चाहिए तो ये थी पोम जिसकी जो है ना एक कम्प्लीटली लिटरल मीनिंग है और एक कम्प्लीटली अंडरलाइन मीनिंग है लिटरल मीनिंग में हमें प्लांट्स और बर्ड्स का हमें जिक्र मिलेगा लेकिन जब हम इसकी अंडरलाइन या फिर डीप मीनिंग को देखते हैं तो यहाँ पे हमें इंसानों के बारे में बताया जा रहा है और कर्फ्यू समर जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन और पाकिस्तान के अंदर जो फोर्सेज थे उनको उनके लिए एक मेटाफर के तौर पर यूज़ किया गया है यहाँ पर वर्ड वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट है तो यहाँ पर ये मैंने मेन्शन कर लिए हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू ऑल ओके okay. अब मोस्ट प्लांट्स हैव ड्राइड टू रेस्पिंग ब्राउन यह जो लाइन है ना इसके अंदर एलिट्रेशन और कॉन्डेंस है मोस्ट प्लांट्स हैव ड्राइड टू रेस्पिंग ब्राउन यहाँ पे एस का साउंड रिपीट हो रहा है उसके साथ साथ ए का साउंड भी रिपीट हो रहा है देखिए प्लांट्स हैव और फिर आ uh, फिर रेस्पिंग ए साउंड भी रिपीट हो रहा है साउंड भी रिपीट हो रहा है।, 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 है तो देर इज यू नो एलिट्रेशन एंड कॉन्सडेंस इसके अलावा इमेजरी यूज़ की है जब हम कर्फ्यू समर कहते हैं ना तो हमारे जहन में एक इमेज आता है कि समर है गर्मी है ये वो यहाँ पर जो ना विजुअल इमेजरी इमेजरी है इसी तरह ग्रेप पॉइंट्स अगर आप लोगों ने अंगूर देख लिए हैं तो आपके जहन में डेफिनेटली एक इमेजरी एक इमेज आएगी सो दिस इज ऑल्सो विजुअल इमेजरी इसी तरह रेस्पिंग ब्राउन जब हम रेस्पिंग ब्राउन कहते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज काइंड ऑफ़ आती है कि किस तरह से पत्ते सूखे हैं और ब्राउन हो गए हैं प्लांट्स सूख के ब्राउन हो चुके हैं तो ये विजुअल इमेजरी है इसके अलावा पोएम के अंदर जो है ना थीम्स रिबेलियस वर्सेस ट्रेडिशनल है जैसे कि मैंने बताया ट्रेडिशनल वही लोग हो गए जो कि उन्हीं पाथ्स और उन्हीं जो है ना रस्तों पर चलते हैं जो ट्रेडिशनल है जो पहले से हैं बट द पीपल हु आर रिबेलियस दे ट्राई टू यू नो दे ट्राई टू मेक अ न्यू पाथ जिस जिसपे वो चल सकें दे ट्राई टू बी एन एग्जाम्पल पर्सन फॉर ऑल ऑफ अदर्स ऑल अदर्स दे ट्राई टू रेज देयर वॉइस फॉर देम सेल्वस दे नो हाउ टू गेट इंडिपेंडेंस दे नो हाउ टू यू नो बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस है दे नो हाउ टू फेस द रिस्ट्रिकशन दे नो हाउ टू फेस द चैलेंजेस दे नो हाउ टू फेस द हार्डल्स गेट रिबेलियस हो गए करेज इन प्रोस्पेरिटी ठीक है यहाँ पर करेज का भी हमें थीम मिलता है कि जिस तरह से ग्रेप वाइन और बैगन बॉगन विलिया और स्पेरो थे उसी तरह इंसानों के अंदर भी करेज होनी चाहिए और जिनके अंदर करेज होती है वहीं रिबेल कर सकते हैं हमारे अंदर अगर हिम्मत होगी तभी हम बगावत कर सकेंगे ना अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है तो कैसे हम बगावत करेंगे सो करज कर थीम ऑफ दिस पॉट एंड फियर ऑफ़ पावर जिनके अंदर पावर का फियर रहता है जिनके अंदर पावर का खौफ रहता है वो रिबेल नहीं कर सकते ठीक है ठेके? जब तक कि हमारे अंदर से खौफ ख़त्म ना हो हम रिबेल नहीं कर सकते सो दिस वॉज द पोएम कर्फ्यू सामान बाय की कुरेशी आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा एक दफ़ा फिर से अगर मैं समरी बताती चलो चलूँ या नॉट सम बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये कि यहाँ पे जो है ना एक सर्फेस uh, मीनिंग है एक अंडरलाइन मीनिंग है सर्फेस मीनिंग में हमें प्लान्ट वगैरह मिलते हैं अंडरलाइन मीनिंग में हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे असल में इंसानों की बात की गई है फिर इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम्स मैंशन हैं इनको आप uh, जहन में रख लें एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम एंड इट्स क्रिटिकल एनासिसिस दैट्स ऑल थैंक यू डोम गेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स और सब्सक्राइब और ये नोट्स जो हैं नोट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ गो एंड डाउनलोड द नोट्स इफ़ यू नीड दैम एंडट्स ओल्ला हाफ